नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जो है कि ये जो हम लोग देखते हैं ट्यूब, अभी जो न्यू ट्यूब आए हैं बाज़ार में तो ये इस तरह का सर्किट में आता है। तो इस तरह का सर्किट में फॉल्ट यही होता है कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है ट्रांजिस्टर फूक जाता है। तो अब क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ना जल्दी जल्दी बाज़ार में मिलता नहीं, तो इसके लिए हम एक आसान सा उपाय लाए हैं जो जिससे आप ये ट्यूब जो है आप चला सकते हैं। तो उपाय है कि आप ये जो सेफर का सर्किट है 20 वाट का सर्किट में ये ट्यूब चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करके वीडियो शुरू करते हैं। इधर हमारा 35 वाट का ट्यूब और इसका ये सॉकेट। तो इसका जो चार्ज वायर है जो हमारा ट्यूब में जाएगा, उसको हम इस सर्किट के चार हिस्से में लगा देंगे। आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे जो चार छेद देख रहे हैं वहाँ पे ये चार तारे लग जाएंगे। तो देखते हैं कैसे लगता है। चलिए अच्छा, तो जूम करके आपको दिखाते हैं सर इसका सोल्डिंग। इसको हम हमारा जो दो होल्डर है उसमें दो तार निकला हुआ है, तो दोनों मुख को हम एक साइड में जोड़ेंगे इस दो साइड में, और इस दो तार को हम इस दोनों साइड में जोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों जोड़ते हैं। कर देते हैं हम, सोल्डिंग हमारा गर्म हो चुका है, अब जल्दी जल्दी काम हो सकेगा। तो दो जो तार है हम इसमें दो छेद में डुबा रहे हैं, देखिए ये दो निकल गया है एक साइड के लिए, और इन दोनों को जोड़ते हैं हम इस साइड के लिए। ठीक है, जो दूसरा वीडियो है वो था इस टेस्टर को लेकर। इस टेस्टर को हम बनाए थे, आप देख सकेंगे। तो ये टेस्टर तो अभी फुल वर्क कर रहा है, देखिए लाइट चल रहा है। इसको हम बैंड भी कर सकते हैं ऐसे जा कहीं भी। तो चलो दोस्तों काम करते हैं। दोनों तार को अब हम सोल्डिंग करेंगे। तो हमारा जो चार वायर है वो जुड़ गया है, और ये दो मुँह में हम अब ट्यूब को लगाएंगे। तो ये रहा पहला वाला, और हम इसको हम साइड से थोड़ा तान लेते हैं, और यहाँ पे हम दूसरा लगा लेंगे। तो घूमना हुआ है थोड़ा है, ये रहा दूसरा। तो देख रहे हैं दोस्तों आप कि इसका सर्किट का जो कनेक्शन दो है वो जुड़ चुका है, दो इधर चला गया है ट्यूब के मुंह पे, दो इधर चला गया है ट्यूब के मुंह पे। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है आप इसको साइड में रखते हैं, और इसका जो एसी करंट सप्लाई होगा उसका जगह में हम एक प्लग लगा देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देते हैं ये रहा प्लग का मुँह, इसी कारण यहाँ पे सप्लाई होगा हम दिखा दे रहे हैं। देखिए जूम करके, यहाँ पे दो छेद है, ये रहा है और ये रहा है, इसमें हम दोनों को जोड़ेंगे।
तो सर्किट का डायग्राम पूरा हो जाएगा। तो जोड़ के हम सोल्डिंग कर देते हैं जैसे इतना छूटे हैं, इसको थोड़ा ढीला करते हैं। लगा कर सोल्डिंग कर देंगे, हो गया। इसको हम दूसरी तरफ लगाते हैं इस छेद में, ऐसे जैसे ना छूटे, देखने में आपको आसानी हो। तो ये रहा हमारा दूसरा सोल्डर का पॉइंट। ठीक से कर देते हैं। चलिए दोस्तों ये हो गया, अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे। देख लीजिए, फिर से हम दिखा दे रहे हैं एक बार जूम करके। ये जो दोनों तार है दोनों एक साइड में चला है, और ये जो दोनों तार है ये दूसरी साइड में चला है। ट्यूब का जो दोनों कनेक्शन है इससे ही सप्लाई होगा, और जो मेन सप्लाई होगा वो इससे होगा, जिससे आपको देखने में सुविधा हो। इसलिए हम पहले टेस्टिंग लाइन में चेक कराएंगे। तो टेस्टिंग लाइन का मेरा कनेक्शन पहले देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ये रहा मेरा टेस्टिंग का तार, लगा दिए। चलिए चलिए टेस्टिंग एकदम बिंदास है, इसको रख देते हैं और फिर हम इसको देखते हैं लगा कर। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ट्यूब वर्क कर रहे हैं, इसका लाइट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको हम ऑफ करके दिखा सकते हैं, देखिए हो रहा है लाइट। अब हम इसको सीरीज से निकाल के एसी में डायरेक्टली चेक करेंगे, तो इसका लाइट और भी ज़्यादा आएगा, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, उसके बगल में जो बेल वाले बटन है उसको ज़रूर दबा देना। थैंक यू।